दे रहा हूँ मेरा आईडी कार्ड है। नीचे बैठ। कार्ड तो दे दे। जी आपकी भतीजी हमें बहुत अच्छी लगी। क्यों मुश्ताक जी, आपका हमारे मुश्ताक कैसा लगा? ठीक ही है बस। क्या मतलब? मेरा मतलब है बातचीत करने से ही अंदाजा होता है ना, ऐसे क्या कह सकती हूँ मैं। आप बिला झिझक बात कीजिए। हाँ जी बताएं, क्या कुछ करते हैं आप? मेरा मतलब है नौकरी के अलावा और क्या करते हैं आप, मसलन क्या हॉबीज हैं आपकी? वैसे तो कुछ खास नहीं जी। वैसे आपस की बात है, बहुत ही थर्ड क्लास बात की है आपने। भाई हर इंसान फारिग वक्त में दिल बहलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करता ही है, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे। मैं फिल्में देख लेता हूँ। किस किस्म की फिल्में? इंग्लिश फिल्में देखता हूँ। रोमांटिक? नहीं, एक्शन। अच्छा 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 अच्छा, तो कौन सा एक्शन हीरो पसंद है आपको? मुझे नाम तो याद नहीं, लेकिन हाँ कुछ गंजा सा है वो। विन डीजल की बात तो नहीं कर रहे आप कहीं? डीजल या पेट्रोल ये तो नहीं पता, लेकिन है कुछ ऐसे ही। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्यों? मर्जी हमारी। मगर ना की कोई वजह तो होगी। वजह बताने की मैं पाबंद नहीं। चलें, वो दरवाजा है, निकले यहाँ से। और बताओ तुमने क्या किया आज यूनिवर्सिटी में? किसका बर्थडे था? ओ, क्या है? आप लोग अभी तक गए नहीं? चलें शाबाश, वो दरवाजा है, शराफत से खुद ही निकल गए। चलें शाबाश, निकलें शाबाश, निकलें। लेट्स मूव। सॉरी आप लोगों का टाइम वेस्ट किया। जी बिल्कुल, बस जो मेडिसिन्स मैंने लिखकर दी हैं आप वो लेते रहिएगा। एक्चुअली केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टाइम लगेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय। फायजा क्या हुआ तुम्हें, मूड क्यों खराब है? हुपो, आपका ये जो तरीका है ना, ये बिल्कुल गलत। किस चीज का? रिश्ते वालों को जलील करके भगाने का। भगाने का क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उन्हें जानबूझकर भगाती हूँ? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि एक महीने में ये पांचवा लड़का है जिसको आपने भगाया जलील करके। तो क्या मतलब है तुम्हारा फायदा? इस तरह आंखें बंद करके किसी भी ऐरे गैरे से शादी कर दूं तुम्हारी? जिस तरह के सवालात आप करती है, कोई ऐरा गैरा भी मेरा हाथ नहीं थामेगा। क्या गलत पूछा है मैंने उससे? बताओ, एक फिल्म के हीरो का नाम तक ही तो पूछा है मैंने उससे, वो भी नहीं पता था उसे। क्या फर्क पड़ता है तुमको? फर्क पड़ता है, इससे पता चलता है कि वो कितना गायब दिमाग इंसान है। भाई एक फिल्म देखता है वो 3 घंटे तक बैठकर, और उसे इस फिल्म के हीरो का नाम नहीं पता। वैसे फ्रैंकली पप्पू, आपका ये एटीट्यूड देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि मेरी कभी भी शादी होगी। तौबा करो, अच्छी बात निकालो मुंह से। सिर्फ मुंह से अच्छी बातें निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, कभी ना कभी किसी ना किसी को तो सेलेक्ट करना होगा ना। सुनो फायजा, मैं एक डॉक्टर हूँ। पागलों की। अच्छा, इसलिए मुझे पागलों की पहचान। एक बात याद रखना फायजा, तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी जिसका दिमागी तवाजुन ठीक होगा, समझी? कहाँ जा रही हो? वॉक पे।
अब इस पे भी कोई कॉम्प्लिकेशन है? ऐसे जाओगी क्या? कुछ समझ नहीं आती है मुझे इस लड़की की। शायद किसी का गिर गया है। लेकिन यहां तो कोई नहीं है। पुलिस स्टेशन में जमा करा दे देते। तुम ऐसा करो कि लड़की वालों को फोन करो, हमें ये रिश्ता नहीं करना। ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। क्या क्या हुआ है तुम्हें? मैं पुलिस की जेरे हिरासत में हूँ। आई नीड योर हेल्प। क्लास के बाद जो तुम दोस्तों की बैठक लग जाती है ना कैंटीन में, उसकी बात करेंगे। जल्दी आना। ओह स्पीकिंग ऑफ विच, आज पल्लो की बर्थडे है। खुदा का शुक्र है बेटा, तुम्हारी जान बच गई। सुने, रास्ते में कोई भी फकीर नजर आए ना, उसे ये दे दीजिएगा। तुम उस इलाके में करने क्या गए थे? अरे पापा, मैं तो दोस्त क्या गया था, वापस आ रहा था, वहीं उन लोगों ने रोक के लूट लिया। बेटा आइंदा ना तुम उस दोस्त के घर जाओगे और ना उस इलाके में जाओगे, प्लीज। अरे मम्मी, ये तो होने वाली बात ही हो गई। मैंने उस इलाके के थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। मेरे वॉलेट मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे, क्या पता मिल जाए। कल इसके रिश्ते की बात हुई और आज ये हादसा हो गया। तुम ऐसा करो कि लड़की वालों को फोन करो, हमें ये रिश्ता नहीं करना। ये रिश्ते की बात कहाँ से आ गई? जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही करो। वैसे वो लड़की बहुत बोलती है और ऐसी ज्यादा बोलने वाली लड़कियाँ मुझे पसंद नहीं है। अरे पापा, मैं पहले लड़की से मिल तो लूं। अच्छा, अपने बाप पर यकीन नहीं तुम्हें? अरे पापा ऐसी बात नहीं है। तुम चुप करो। सादिया, तो मैंने फोन करके माजरा कर लिया। हेलो, जी जी। अच्छा मैं दे रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से फोन है। पुलिस स्टेशन से? या इलाही खैर। हेलो, जी जी बात कर रहा हूँ। क्या वॉलेट मिल गया? ओके ओके जी जी, बिल्कुल, थैंक यू, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओके थैंक यू। Wow, can you believe it, mommy? पापा वॉलेट मिल गया? ठीक है बेटा, खैर से जाना, संभल के जाना प्लीज। शुक्रिया दीदी। ओके मॉम, बस मैं लेके आता हूँ। पापा आपका फोन। खुदा का शुक्र, करो मैं उसका। नहीं खराब केस। ओ जनाब, कह दिया ना मैंने, बेफिक्र हो जाओ। अरे जब हम बैठे हुए हैं तो आपको किस चीज की टेंशन है? ठीक है जी। Excuse me, sir. मैं अब जा सकती हूँ? बीबी, आप अभी नहीं जा सकती। पर क्यों? ओ बीबी, ये डकैती की वारदात में पर्स मिला है जो आप लेके आई हैं। तो मैं क्या करूँ? ओ बीबी, ये पर्स जो है डकैती की वारदात में मिला है, प्रॉपर तफ्तीश करनी पड़ेगी। जब तक इस वॉलेट का मालिक नहीं आ जाता, हम आपको नहीं जाने देंगे। बैठे आप आराम से यहाँ पर। अजीब जबरदस्ती है ये। ओ बीबी, आपको कहा है आप हमारे साथ तामुन करें, आप आराम से यहाँ पर बैठे। वैसे भी इस इलाके में बहुत डकैतियाँ हो रही हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये सारी डकैतियाँ मैं करती हूँ। ओ खुदा का वास्ता बीबी, आप खामोश हो जाएं। क्यों, मैं क्यों खामोश हो जाऊं? एक तो ये वॉलेट यहाँ ला के मैंने अच्छे शहरी होने का सबूत दिया है, और आप लोग मेरे ही गले पड़े, इसीलिए तो कोई तावुन नहीं करता है आप लोगों से।
ये लो जी, इस पे अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख दीजिएगा। क्यों? आईडी कार्ड बनाने जो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मेरी? ओ बीबी, मैंने आपसे कहा ना, इस पे अपना एड्रेस और फोन नंबर लिख दे। आप थाने में बैठी हैं। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। ये ले। एक्सक्यूज मी पुलिस अंकल, मुझे प्यास लगी है, पानी ला के दे और ग्लास धो के लाइएगा। हेलो पप्पो, कहाँ रह गई हो भाई? मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। व्हाट? क्या क्या हुआ है तुम्हें? मैं पुलिस की जेरे हिरासत में हूँ। आई नीड योर हेल्प पप्पो। मेरी जान, मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि तुम्हें पकड़ा किस जुर्म में? ये नेकी करना मेरा जुर्म था। फैजा प्लीज, ये 70 की दिहाई के फिल्मी डायलॉग बोलना छोड़ दो। जल्दी से बताओ कि हुआ क्या है, मसला क्या है? ओह गॉड पप्पो, आप सारी तफ्तीश इधर ही करेंगी फोन पे या मेरी मदद के लिए आएंगी? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब आपको मेरी पप्पो डील करेंगी। वालेकुम अस्सलाम। हमजा आप ही हो? हेलो, ओ हीरो, ओ हीरो, मैं यहां पर बैठा हूं, आप थाने में खड़े हुए। हमजा मैं ही हूं जी। ये अपना वॉलेट चेक कर लो। वाओ, थैंक यू, थैंक यू जी। देख लेना, सामान पूरा ही है। थैंक गॉड, मेरा आईडी कार्ड मिल गया सर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आपका ये वॉलेट मैं लेकर आई, और आप समझ रहे हैं कि इन्होंने आपकी मदद की है? हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जी जी। तुम्हारी वजह से मैं 2 घंटे से यहाँ ख्वार हो रही हूँ। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों? क्योंकि इन्हें लगता है कि जो तुम्हारे साथ वारदात हुई है उसमें मैं भी शामिल हूँ। Come on यार, really? Oh my God, really? Oh God, I can't believe this. What's so funny? Just a second, yes. Sir जी, तुम हंस रहे, बड़े ठीठ इंसान और बेशरम भी। I'm so sorry. Actually, I'm sorry, मैं आप पे नहीं हंस रहा। मुझे तो ये बात सोच कैसी आ रही है कि ये समझ रहे कि ये वारदात आप जैसी खूबसूरत लड़की कर सकती। ओह प्लीज, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है, समझ आई? आप जैसी खूबसूरत लड़की, यार राइट। कहाँ है मेरी भतीजी? फायजा, पप्पो, फायजा कहाँ हो तुम? पप्पो, तुम ठीक तो हो ना? शर्म नहीं आती आप लोगों? मेरी भतीजी को इतनी देर तक इस थाने में बिठाने की हिम्मत कैसे हुई आप लोगों की? गलतफहमी थी। तुम कौन हो मिस्टर? यही तो वो है जिसका वॉलेट मुझे जमीन पे पड़ा मिला, जो मैंने उठा के इनको ला के दिया, और इसी चक्कर में इन्होंने मुझे 2 घंटे बिठाए रखा। ओ, तो तुम हो वो मौसूम। शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरी भतीजी तुम्हें शक्ल से चोर चक्की लगती है, डाकू लगती है, डकैत लगती है। MBA किया है पूरी यूनिवर्सिटी में, टॉप की है, समझे? वाओ, That's very good. That's very good. क्या खाप वेरी गुड? तुम लोगों को शक्लों से अंदाजा नहीं होता कि कौन अच्छे घर का है और कौन बुरे घर का? ऐसे अमीरजादों को किसी का क्या एहसास होगा पप्पो? तुम्हें कैसे पता कि ये अमीरजादा है?
एक दर्जन तो क्रेडिट कार्ड्स निकले हैं इसके वॉलेट में से। खैर छोड़े, चलें। हेलो हमजा, हमजा ओ हीरो, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ये थाना है, मेरी तरफ भी देख लो। हाँ हाँ सर, थाने में ही है, थाने में। ओ देख ले, कोई चीज कम तो नहीं है? वॉलेट में तो कुछ कम नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे लड़की को चुरा कर चली गई। ओह मत मारी गई है तू, अगर बोलता है तो FIR काट दूं। कोई फायदा, रुको, क्या जरूरत थी इस वक्त रात को नेकी करने की? आप भी ने तो सिखाया पप्पो के कोई भी नेकी का मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं वो की हुई नेकी अपने ही गले ना पड़ जाए। पर ये इंसान कैसे डिसाइड कर सकता है कि कौन सी नेकी करनी है और कौन सी नहीं? बहस करने में ना तुम नंबर वन हो, वैसे जो मैं कह रही हूँ वो समझती नहीं हो तुम। आइंदा वॉक पर जाओगी, सीधा वॉक करके घर आओगी, समझी? समझ गई। तौबा है, रात के इस वक्त दो लड़कियां थाने से बाहर निकल रही हैं, लोग क्या सोचेंगे? दो लड़कियां, तुम और मैं। अच्छा, यानी आप खुद को भी लड़की कह रही हैं। इसे कहते हैं मौके का बहुत अच्छा फायदा उठा। ज्यादा बकवास मत किया करो। मैंने क्या कहा है? ये जो तुम्हारी जहरीली मुस्कुराहट के पीछे शैतानी छुपी हुई है सब पता है मुझे। अच्छा पप्पो, नाराज तो मत हो, गर्ल हैं आप, गर्ल। और आप समझ रहे हैं कि इन्होंने आपकी मदद की है, मैं आपकी वजह से यहाँ पे दो घंटे से ख्वार हो रही हूँ और इनको पता ही नहीं है, और ये समझ रहे मैं डाकू हूँ, और आपको इतना भी नहीं है कि आप मुझे थैंक यू कहें, बल्कि आप इनको थैंक यू कहें। तेरे लिए मैं छोड़ दूं दुनिया, तू जो कहे ऐसा ना, साथ फायजा, फायजा जल्दी से उठ जाओ, क्लास के लिए लेट हो रही हो, उठ जाओ। क्या है, क्या है पप्पो? क्या मतलब क्या है? जल्दी से उठ जाओ, तुम्हारा नाश्ता टेबल पर रख दिया है मैंने। क्या आप इतनी जल्दी क्यों जा रही है? मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गई है, जल्दी जाना है मुझे, चलो जल्दी से उठ जाओ। और मैं यूनिवर्सिटी कैसे जाऊंगी? टैक्सी मंगवा लेना बाबा, और हाँ शाम को घर जल्दी वापस आना है तुम्हें। जब यूनि खत्म होगी तभी आऊंगी ना। क्लास के बाद जो तुम दोस्तों की बैठक लग जाती है ना कैंटीन में, उसकी बात करेंगे, जल्दी आना। ओह स्पीकिंग ऑफ व्हिच, आज पल्लो की बर्थडे है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दें। ये क्या चक्कर है फैजा, हर थोड़े दिन बाद तुम्हारी किसी ना किसी दोस्त की बर्थडे होती है, क्या छह छह महीने बाद करती हैं ये अपनी बर्थडे? नहीं भाई देख, 12 गर्ल्स इन अ ग्रुप, हर महीने इत्तेफाकन एक ही बर्थडे होती है, इसी तरह 12 महीने 12 बर्थडे, पूरी साल हम पार्टी करते हैं।
अच्छा ठीक है बाबा, मैं कुछ पैसे रख देती हूँ टेबल पे, तुम जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता करो, लेट हो रही हो। चलो शाबाश, ख्याल से जाइएगा, ठीक है ना? कौन सी यूनिक, कैसी यूनिक। कौन सी दोस्त ने किसको नंबर दिया है, कौन लोग आ रहे हैं हमें देखने? ऐसे फायजा, आपस की बात है, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। आपको नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करके देख लेना चाहिए, क्या पता लोगों को जोड़ी अच्छी लग जाए? मेरा मतलब है कि औलाद है आपकी, अपनी औलाद तो कभी कभी गोरी लगती है। जी जी बिल्कुल, 6 बजे ठीक रहेगा शाम को, तब तक फायजा भी आ जाएगी यूनिवर्सिटी से। मैं इंतजार करूंगी, खुदा हाफ़िज़। ए, पता है किसकी कॉल थी? तुम्हारी दोस्त की अम्मी की फ्रेंड की। किसकी? तुम्हारी दोस्त की अम्मी की फ्रेंड की। आर यू श्योर पप्पू? हाँ, उन्होंने तो यही बताया था। कौन सी दोस्त? कौन सी दोस्त, ये तो मैंने नहीं पूछा उनसे। और क्यों कॉल की थी? तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में घर आना चाह रही। क्यों? हाँ, ऐसा करो कि छुट्टी कर लो यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैसे छुट्टी कर लूं? और वैसे भी मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, पूछूंगी कि कौन सी दोस्त ने किसको नंबर दिया है, कौन लोग आ रहे हैं हमें देखने। ऐसे फायजा, आपस की बात है, बहुत नखरे हैं तुम्हारे। अब इसमें नखरे की क्या बात है पप्पो, कम ऑन। इन्हीं नखरों की वजह से आज तक तुम्हारा रिश्ता तय नहीं हुआ। ऑनेस्टली कैन आई टेल यू समथिंग पप्पो, मेरे रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? किस चीज की? ये जो आप अजीबोगरीब सवाल पूछती है ना बॉयज से, इसलिए वो सारे भाग जाते। मेरी तरबियत में एक यही कमी रह गई थी कि तुमने आज तक मेरी बात मानना नहीं सीखा। तुम मतलब हर वक्त इस तरह की बातें करती हो, पागलों वाली, इसलिए तुम्हारी शादी नहीं होती। पप्पा, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रही है। पप्पो, अस्सलाम वालेकुम। पप्पो, वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है, मैंने अपनी सारी दोस्तों से पूछा, किसी ने मेरा नंबर किसी को नहीं दिया। तुम फिक्र मत करो, जब मेहमान आ जाएंगे तो हम उनसे पूछ लेंगे कि किसने नंबर दिया। अच्छा, वैसे आप ये सब क्या कर रही हैं? क्या करना है? मैंने मेहमानों की खातिरदारी की तैयारी कर रही हूँ। क्या फायदा है, तकरीबन हर महीने 2 किलो का गोश्त ये खा ही जाते हैं, अब बाहर से कुछ क्यों नहीं मंगवा लेते? अगर मैं बाजार से मंगवाऊंगी तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा बेबी। क्या फायदा है ऐसे इम्प्रेशन का, सारे रिश्ते वाले तो यूं ही भाग जाते हैं, पता नहीं क्यों। हेलो, ये जो बड़ी बूढ़ी औरतें हैं ना, इनकी तरह बातें करना बंद कर दो तुम, और जाओ जाके चेंज करो, तैयार हो जाओ, चलो जाओ शादी। अगर किसी हेल्प की जरूरत हो ना तो याद मत कीजिएगा। मैडम जाइए, तैयार होइए जाके। जी कौन? आप भूल गई मुझे इतनी जल्दी? कौन हो भाई? देखिए, गाली देनी है ना गाली देते हैं, ये भाईशाही ना बोलें। अब तो मुझे लगता है कि गाली देनी ही पड़ेगी। कौन हो भाई और क्या काम है? अरे भाई, मैं मुश्ताक। कौन मुश्ताक?
आपको यहाँ कोई और देखा है? अरे मैं मुश्ताक, और कौन मुश्ताक? मैं किसी मुश्ताक को नहीं जानती। आप भूल गई, मैं अपना रिश्ता लेके आया था आपके लिए अपनी मामा के साथ। ओके ओके, तुम वो हो। क्यों, उसे नहीं लग रहा? नहीं यार, मैंने उस दिन गौर से नहीं देखा था तुम। खैर बताओ क्यों आए हो? आपको नहीं लगता कि हम दोनों को शादी करके देख लेना चाहिए? क्या पता लोगों को जोड़ी अच्छी लग जाए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक, ये क्या ऑल फॉर बकवास कर रहे हो? सुनो मिस्टर इश्तियाक। इश्तियाक नहीं, मुश्ताक, मुश्ताक। मेरी अम्मी मुझे प्यार से मुशु कहती है। वैसे अगर आप भी चाहें तो मुझे प्यार से मुशु बुला सकती हैं। मुशु, अगर मेरी पप्पा ने तुम्हें यहाँ देख लिया ना, तो प्यार करने के काबिल नहीं रहोगे, निकल लो यहाँ से। एक तो मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी पप्पू ने मेरा रिश्ता इनकार क्यों किया। वैसे ये गलत बात है ना? हाँ, पहले तो मुझे भी लगता था कि बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। देखा, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। तो फिर आपकी तरफ से रिश्ते को मैं हाँ समझूं या ना समझूं? Are you serious, Faiza? पप्पो गलती से किसी ने बेल बजा दी है। सुनो मेरी बात, अगर पप्पो ने यहाँ तुम्हें देख लिया ना, तो तुम अपने ये कमजोर हाथ पैरों पे भी चल के नहीं जा सकोगे। निकल जाओ, मैं कह रही हूँ। लेकिन हमारे रिश्ते वाली बात तो रह गई ना। जी, मैं सादिया हूँ। आपसे फोन पे बात हुई थी ना फैजा के रिश्ते के सिलसिले में। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे हस्बैंड हैं फिरोज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में आप लोगों को? नहीं, आसानी से मिल गया। ठीक है, अंदर आ जाइए, मैं आपका इंतजार करेंगी। माशाल्लाह घर बहुत खूबसूरत है, ये आपका अपना है? नहीं, पड़ोसियों का है। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। हिना, आप यकीन करें ना करें, हमारा बेटा हमसा हीरा है, हीरा। अच्छा, ऐसा है क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि औलाद है आपकी, अपनी औलाद तो कभी कभी गोरी लगती है। वो अपनी भतीजी को बुलवाइए। कहाँ है फायजा? जी जी बिल्कुल। फायजा, अरे तो आप भी इस घर में रिश्ते के लिए आए? आप भी मतलब? नहीं, मतलब ये कि जो भी इस घर में रिश्ते के लिए आया है वो जलील होके गया है। मुश्यू जलील हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। मेरी मम्मा कहती है कोई लड़की ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो मुश्यू को रिजेक्ट कर सके। देखो मुश्यू, क्या बताया? रिजेक्ट कर सके। नहीं, तुम्हारी अम्मा क्या कहती है? मुश्यू, मुश्यू ये है मेरी भतीजी फायजा, MBA कर रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है। माशाल्लाह, थैंक यू। आप अपने बेटे को भी ले आते हैं जलील करवाने के लिए? वो दरअसल शर्माता बहुत है। शर्मिला भी है? जी हाँ, आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि हम अपने बेटे के लिए खुद लड़कियां ढूंढ रहे हैं, वरना आजकल की तो औलाद अपने माँ बाप को मोहलत ही नहीं देती।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने शादी नहीं की? जी नहीं। और वजह भी मत पूछने बैठ जाइएगा वरना गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, और लंबी गुफ्तगू हम लोग करना भी नहीं चाहते। इजाजत चाहेंगे? अगर हो सके तो अगले हफ्ते हमारी तरफ आइएगा। जी ये नहीं जाएंगे क्या? चल रहे हैं क्या? कुछ है ना? मत जाओ घर में रिश्ते के लिए। लेकिन क्यों? क्यों क्या यार, उनकी फुफोक से मिले हो तुम? हाँ मिला हूँ, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा सा मिला हूँ। अजीबोगरीब सवाल नहीं किया तुमसे उन्होंने? हाँ ये ठीक कह रहे हैं आप, उन्होंने मुझसे भी यही सवाल पूछा था कि मुझे बताओ कि तुम कौन सी पिक्चर देखते हो। भला ये कोई सवाल है अम्मा के सामने पूछने का कि इंग्लिश फिल्में देखते हो, कौन सा हीरो है? कोई बताता कि कौन सी इंग्लिश फिल्म कौन देखता है? देखो मशहूर, उनकी जो फुफो है ना पागलों की डॉक्टर है, पूरा घर पागल है। मेरा रिश्ता भी उन्होंने खत्म करवाया था यार। हटिए साइड में से, साइड बैठिए, जाओ यार खुद पता कर लूंगा मैं। तुम? अरे वाह, मैं आपको याद हूँ। हाँ पहचान लिया, तुम तो वही हो ना जो उस दिन रिश्ते के सिलसिले में आए थे। अरे वाह, आपकी याददाश्त तो बहुत ही तेज है। आई एम श्योर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बादाम खाती होंगी रोजाना। काम की बात करो, चलो शाबाश। एक भतीजी थी ना, मैं एक्चुअली उसका नाम भूल गया। क्यों क्यों नाम बताऊं मैं अपनी भतीजी का? जब उस दिन बात खत्म हो गई थी तो क्या लेने आया हो यहाँ? मैं आपकी भतीजी का हाथ लेने आया हूँ, मतलब मांगने आया हूँ। मेरी भतीजी का हाथ तो नहीं मिलेगा तुम्हें, मेरा हाथ चाहिए। आपका हाथ? आपकी एज और मेरी एज में तो बहुत डिफरेंस है ना। लेकिन अगर आपकी भतीजी शादी मुझसे हो जाए ना तो फिर एक बात बन सकती है, क्योंकि मेरे जानने वाले एक मामू है, उनकी एज बिल्कुल आपसे मिलती है। तो मैं अगर आप कहेंगी तो मैं आपकी सेटिंग करा दूंगा उनसे। सेटिंग के बच्चे तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। चलो चलो देखो, गौर से देखो, देखो क्या नजर आ रहा है तुम्हें। आंटी कपड़े धो रही है। आंटी कपड़े धोते हुए नजर आ रही है तुम्हें? ऊंचाई नजर नहीं आ रही तुम्हें? यहाँ से फेंक दिया ना तुम्हें, एक हड्डी नहीं मिलेगी तुम्हारी। देखो मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है तो मैं डर रहा हूँ, थप्पड़ मारूं तुम्हारे मुंह पे, जा यहाँ से। ओके। चीप आदमी, मरो इधर। रिश्ता चाहिए, गुलाब जामुन है मेरी भतीजी। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, भाग यहाँ से। ओके ओके ओके। अरे 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 अरे, क्या हुआ मशू भाई, हो गया रिश्ता? अरे फुफो पागल हुआ मुझे, अरे यार फुफो से बचाओ मुझे कोई। अरे है, मैंने बोला भी था यार उसकी फुफो पागल है। अरे वो तो पागलों की डॉक्टर नहीं, वाकई पागल है। ओए होए यार, ये जो फसाद की जड़ है ना, ये फुफो है। सही कह रहे हैं, मरवा दें। अबे पागल हो गए क्या, लड़की से कांटेक्ट करो सीधा। अरे यार आपने मुश्यू को हल्का लिया भाई क्या, मैं तो लड़की से ऑलरेडी कांटेक्ट में हूँ फेसबुक के थ्रू। हम तो दिन में दो दो बार लूडो स्टार भी खेलते हैं। किससे? फाइजा से। फाइजा जी, आप यकीन नहीं, नहीं मान सकता यार। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें। मैं चैट पर्सनल है, मैं आपको चैट नहीं दिखा सकता। वैसे उसकी आईडी प्रिंसेस फाइजा के नाम से। किस नाम से? प्रिंसेस फाइजा। मैं चेक कर लेता हूँ कोई बात। ये क्या प्रिंसेस फाइजा? हाँ ये वाली, ये। लेकिन आप किसी को बताएंगे नहीं? ये तो लड़का है क्या? हाँ
नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो मुझसे सुबह शाम बात करती हैं और मुझे वो दिल के आंखों वाले इमोटिकन्स भी भेजती रहती हैं। वो बैलेंस भी मांगती है। हाँ बैलेंस क्यों मांगती है, वीडियो कॉल पे नहीं आती है? बिल्कुल नहीं, जब मैंने ना बोला कि आप वीडियो कॉल पे हैं मैं आपको देखना चाहता हूँ तो कभी लाइट नहीं है, कभी बैटरी लो है और कभी कहती है मोबाइल में कैमरा ही नहीं है। पप्पो साथ आते हैं पता है मुझे, यार लड़का था। हाँ तो अब क्या करूं? एक काम करो, अपनी अम्मा से फोन कर पाओ ठीक है, और पर्सनली जाके लड़के से मिलो। ये अच्छा आइडिया है, क्या आइडिया है दिया दोस्त, गले लग जाओ इसी बात पे। आओ एक बात पे चाय हो जाए क्या? नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच यार, मुझे थोड़ा जाना है, अल्लाह हाफिज। अच्छा फायदा, आ रहा हूं मैं। कोई काम है? एक्चुअली हाँ बोलो। वो जो लोग आए थे रिश्ते वाली आंटी, उनके बारे में हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, आपने बताया नहीं, आपको कैसे लगे? मुझे तो सही लगे हैं, लड़के को देख के ही पता चलेगा कि कैसे लोग हैं। तुम्हें कैसे लगे? हाँ ठीक लगे, पर मुझे लड़के पे अफसोस हो रहा है। अफसोस क्यों? क्योंकि आज तक तो हमारे घर आके लड़के जलील होके गए हैं, लेकिन हम इसके घर जाके इस बेचारे को जलील करेंगे। वेरी फनी, मैं ये सब कुछ जानबूझकर नहीं करती। अच्छा वैसे मुझे नहीं लगता। फायजा तुम्हारे अम्मा अब्बा मरने से पहले मुझ पे ये जिम्मेदारी डालकर गए थे कि तुम्हारी शादी तक तुम्हारा ख्याल रखूं, तुम्हारी देखभाल कर शादी करूं, और मैं तो खुद चाहती हूं ये जिम्मेदारी जो मेरे सर पर है ये जल्द से जल्द पूरी हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। क्यों, तुम क्यों नहीं चाहती ऐसा? क्योंकि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी, और आप भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। सब रह लेते, कोई नहीं मरता किसी के बगैर, तुम भी रह लोगी देख लेना। लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगी आपके बगैर। सब ज्यादा ड्रामे मत करो तुम। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम घर दामाद ढूंढ लेते हैं। बहुत ही बकवास आइडिया है। कर क्यों पप्पो? घर दामाद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, समझी? अरे सेल्फ रिस्पेक्ट का हमने अचार डाला। देखो फायजा, दिस इज नॉट अमेरिका, तुम पाकिस्तान में हो और तुम्हें यहाँ रहना है और यहाँ के तौर तरीकों के मुताबिक अपने आप को ढालना है, अपनी जिंदगी तुम्हें यहाँ गुजारनी है। और जिन मामलात का तुम्हें ना पता हो उनमें ज्यादा मत बोला करो, समझी? चलो अब जाओ, मुझे काम करने दो, डिस्टर्ब ना कर प्लीज। सॉरी। चाय ले लो। शुक्रिया शुक्रिया। जीते रहो बेटा। भाई मुझे लड़की तो बहुत पसंद है मगर फूफी से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। बच्ची ब्याह के लानी है या उसकी फूफी? तुमने देखा नहीं उसने कितनी चलाकी से मेरी बात को गोल कर दी। आपने सवाल भी तो इंतहाई फजूल कसम का किया था। हाँ क्या सवाल पूछे उन्होंने मामा? पता है बेटा क्या पूछ रहे थे उसकी फूफी से? कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई अब तक। व्हाट, कम ऑन पापा, ये कोई पूछता है? क्यों नहीं पूछता भाई, पता तो चले कि इनका बैकग्राउंड क्या है।
जब आपके बेटे को लड़की पसंद है ना तो बात खत्म हो गई। हमारे बेटे को भी कौन सा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस उम्र में तो गधी भी परी लगती है। प्लीज पापा, मुझे वो लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूंगा। That's it. देख रही हो ये मुझसे किस तरह बात कर रहा है? छोड़ देना आप ये बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं मेरे बच्चे से। मैं जिद कर रहा हूँ? अगर एक बात मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ तो तुम लोगों की समझ में नहीं आ रही। पहले लड़की वालों को आने दे, हाँ हो जाए फिर बहस कर लीजिएगा, अभी से शुरू हो गया। अरे उनकी तरफ से 100% हाँ है। अरे कौन जाने देता है एक अमीर घराने का इतना हैंडसम लड़का अपनी बाप की तरह। थैंक यू पापा। मम्मी कब आ रहे हैं वो लोग? बेटा परसों शाम का कहा है। बेटा रेस्टोरेंट तो लगा। प्लीज पापा। बिल्कुल माशाल्लाह से घर बहुत खूबसूरत है आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह फायजा। थैंक यू आंटी। फायजा बेचारी तो उस दिन से काफी परेशान है। हम तो पूछना चाह रहे थे आपसे कि आखिर फायजा की ऐसी कौन सी दोस्त है जिसने रिश्ते का बताया और हमारा नंबर दिया आप लोगों को। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है फायजा के साथ, अलमास नाम है उसका। अलमास? अलमास नाम की तो कोई लड़की नहीं है इसके ग्रुप में, है ना? जी आंटी, अगर आप मुझे उसकी तस्वीर दिखा दें तो शायद मैं पहचान लूं। नहीं बेटा मेरे पास तस्वीर नहीं है। वो कहीं आप वो लंबी वाली अलमास की बात तो नहीं करी जिसके बहुत अच्छे लंबे बाल हैं? बिल्कुल बेटा बिल्कुल वही, तुमने सही पहचाना। अच्छा पर वो तो मेरे ग्रुप में नहीं है, मेरी तो सिर्फ हेलो हाय है उससे। छोड़ो ना तुम भी, किस्मत की बात है सारी। देखिए ना कहां से बात चली और कहां तक पहुंची। वाकई सही कह रही हैं आप, सब किस्मतों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आप। आपका बेटा कहाँ है, बुलाएं ना उसे भी ताकि हम उससे भी कुछ बातचीत करें। हाँ हाँ जरूर। हमजा, हमजा बेटा आओ। बेटा ये मेरा बेटा। तुम ये है आपका बेटा, इसकी तारीफ कर रही थी आप? जी जी मेरा बेटा, मगर हुआ क्या है? ये रिश्ता हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। चलो फायजा मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना हमें। आखिर हुआ क्या? होना क्या है, हमें ये रिश्ता किसी सूरत मंजूर नहीं है। मजीद तशरीह की जरूरत तो नहीं होगी आप? मुझसे तमीज से बात करें आप। एक मिनट। क्यों, आप इस इलाके के काउंसलर लगे हुए हैं क्या जो आपसे तमीज से बात की जाए? समझ नहीं आई आपको मेरी बात? और मुझे तमीज सिखाने से पहले खुद तमीज सीख लीजिए। मैंने क्या बदतमीजी की? मुझसे मेरी शादी के हवाले से जो फजूल किस्म के सवालात किए थे आपने, आपको तमीज नहीं है कि खवातीन से इस तरह की बात नहीं करते? देखें प्लीज हम आराम से भी तो बात करते। चुप ही रहो। फायजा प्लीज देखें आप तो मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी, मुझसे बात करो, हटो। पापा पूछ के आता हूँ। मत करें ऐसे वरना बीपी हाई हो जाएगा। कैसे ना करूं गुस्सा, एक तो वो लड़का वो निकला, ऊपर से उसके बाप की बदतमीजियां देखी थी तुमने। ओह माय गॉड, तो वो हमजा हो? हाउ डेयर यू कॉल मी, और मेरा नंबर कहां से आया तुम्हारे पास? बेटा अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए तुम्हें। रुके, रुके,
मेरा कोई कसूर नहीं, आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा अच्छा प्लीज चलो फूफो, प्लीज चलो ना। अल्लाह माफ करे, इतनी बदतमीज हालत। अच्छा हुआ कहीं यहाँ रिश्ता नहीं हुआ। फिरोज इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पानी लाऊं आपके लिए? आइए आइए, आप जैसी औलाद को तो 21 तोहफों की सलामी देनी चाहिए। बाबा मैंने क्या किया है? वो आपके बाप के घर में इतनी बेइज्जती करके बाहर चली गई और आप गेट तक चले गए उसके छोड़ने, इतनी इज्जत दे रहे हो? बाबा मैं तो सिर्फ ये पूछने गया था कि वो अचानक इतने हाइपर क्यों हो गई। हाँ ये तो पता नहीं चला, तुम्हें देखे उसका दिमाग क्यों खराब हो गया? एक्चुअली बाबा कुछ दिन पहले ना सिग्नल पे उनकी गाड़ी और मेरी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई थी, तो बस। लो ये भी कोई बात हुई? मैं बता रहा हूँ ये औरत पागल है। मैंने भी दुनिया देखी, बिजनेस किया है, और मेरे जैसा इंसान मिल नहीं सकता। ओहो फिरोज इतना गुस्सा मत करें, वो लोग कब के जा चुके हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब लाऊं पानी आपके लिए? ले आओ पानी मेरे लिए, दिमाग खराब कर। फसूल में इतना टाइम जाया हूं, नतीजा क्या निकला? सिफर, जीरो। वैसे एक बात बताएं पप्पो, आपको गुस्सा ज्यादा टाइम जाया होने पर है या उस लड़के? दोनों पर। मतलब ये क्या फसूल से बात की है? अच्छा भाई इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं आप? मत करें ऐसे वरना बीपी हाई हो जाएगा। कैसे ना करूं गुस्सा, एक तो वो लड़का वो निकला, ऊपर से उसके बाप की बदतमीजियां देखी थी तुमने। वैसे बातें तो कम आपने भी नहीं सुनाई उनके अब्बा को, चीखना ज्यादा ही हो गया था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि जब हमने रिश्ता करना ही नहीं था तो बस मना करके उठ जाते, वैसे इतना सीन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे तो तुम हर ठेले वाले दुकानदार से लड़ने बैठ जाती और यहाँ मुझे अमन का दर्स दे रही हो। वैसे पप्पो ऑनेस्टली स्पीकिंग वो बेचारा ठीक ही कह रहा था, वो पुलिस स्टेशन वाले मामले में उसका कोई कसूर नहीं था। एक्सक्यूज मी, तुम कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट दे रही उस बेचारे की, कहीं पसंद तो नहीं आ गया तुम्हें? जी नहीं, अगर मुझे कोई पसंद आना ही होगा तो 4-5 साल पहले हो जाता, इतना डिले हो गया वैसे इस अरेंज मैरिज के चलते। हाँ तो कर लेती ना शॉप पूरा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमारे मुल्क में 70% पसंद की शादियां नाकाम हो, पर मेरी उस 30% में से होती जिनकी कामयाब हुई। मेरा खून पहले ही खौल रहा है, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ। क्या मतलब है तुम्हें? Why are you laughing? कोई मजाक किया मैंने तुम्हारे साथ? नहीं नहीं नहीं, देखें मैंने घर से निकलने से पहले ही आपसे कहा था कि वैसे तो लड़के हमारे घर पे आके जलील होते हैं, लेकिन ये बेचारा बड़ा लकी है, मैंने इसको घर पे जाके जलील किया। कितनी बार मना किया फैजा तुम्हें? मुझे ऐसी बातें मत निकाला करो फैजा, इसीलिए सारे काम खराब होते हैं। मेरे कहने से उन आंटी का बेटा बदल नहीं गया, वैसे का वैसा ही रहा। बेटा तुम्हारे पापा का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ, वो बार बार मुझसे पूछ रहे कि ये रिश्ता किसने बताया था। मम्मी आपने उन्हें बताया तो नहीं? मेरा बच्चा पागल हो गए हो, मैं क्यों बताऊंगी? वैसे मम्मी फायजा की पप्पो से इतने बुरे रिएक्शन की मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरा बच्चा पहले तुम्हें उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए थी, ये सब कुछ ना एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मम्मी प्लीज आप कल उनके यहाँ फोन करें ना। बेटा ये सब कुछ होने के बावजूद भी? प्लीज मम्मी प्लीज मेरे लिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारी खातिर के भी सही।
क्या कर रही हो फैजा? एक जॉब की ओपनिंग आई थी पप्पो, उसके लिए अप्लाई कर रही और एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहे ज्यादा। तुम्हें क्या जरूरत है जॉब करने की? इतना पढ़ा लिखा है तो जॉब तो करेंगे ना। ठीक है कर लो, लेकिन मैं तुम्हें किसी ऐसी वैसी कंपनी में जॉब नहीं करने दूंगी। ऐसी वैसी कंपनी क्या होती है? ऐसी वैसी कंपनी का मतलब ये है जिसमें ज्यादा आदमी ना हो। क्यों, आदमी मुझे खा जाएगा क्या? फालतू की बहस मत किया, कितनी दफा बताया मैंने तुम्हें कि आजकल के ऑफिस का माहौल कितना खराब है। अपने हॉस्पिटल के बारे में भी बता ही चुकी हूँ मैं तुम्हें। ओह कम ऑन पप्पो, ऐसा वैसा माहौल भी नहीं खराब, सारी दुनिया की लड़कियां काम करती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती? और अब वैसे भी मैंने अप्लाई कर दिया है। कर लो अप्लाई, मेरी बात तो गधे की लात है ना, पता है मुझे। जल्दी खत्म करो ये सब कुछ और किचन में आओ, खाना आज तुम बनाओगे। व्हाट? जी लगता है अंडा पराठा खाने का। हेलो। हेलो। कौन? जी मैं हमजा बात कर रहा हूँ। कौन हमजा? वो आप हमारे घर भी आई थी ना, हमारी रिश्ते की बात चल रही है। ओह माय गॉड, तो वो हमजा हो? हाउ डेयर यू कॉल, और मेरा नंबर कहाँ से आया तुम्हारे पास? देखिए अब आप इन चीजों में मत पड़े, मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करने के लिए फोन किया है। क्या बात है बोलो। देखें आप इस रिश्ते से इनकार मत करें। देखो हमजा, मेरी फूफो जब तक इस रिश्ते से राजी नहीं होंगी ना, तब तक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। देखें प्लीज समझने की कोशिश करें, आप मुझे बहुत पसंद आ गए। पसंद तो तुमसे पहले मुझे 5 लड़के भी करते थे, क्या उन 5ों से शादी कर दूं? 5? नहीं, प्लीज प्लीज। देखें फैजा, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। क्या? देखिए मिस्टर हमजा, आपकी मोहब्बत आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और मुझे यहाँ पे आप दोबारा कॉल नहीं कीजिएगा, डू यू अंडरस्टैंड? फैजा। जी पप्पो, कहाँ रह गई थी, किससे बात कर रही थी तुम? वो दोस्त का फोन आया था। क्या बात है, परेशान लग रही हो? हमजा बेटा, क्या जरूरत थी ऐसी बेवकूफों वाली हरकत करने की? पता नहीं मामा मुझे क्या हुआ, मैंने ऐसे ही उठा के फोन कर दिया। बेटा अब तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो, इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो, सही और गलत की पहचान होनी चाहिए तुम्हें। अब मामा मैं आपसे वो फिल्मी डायलॉग तो नहीं बोल सकता कि प्यार सही गलत नहीं देखता, लेकिन आई स्वेयर ये हकीकत है जिससे वाकई तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ गए हैं। पता नहीं मामा, मुझे लगा मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा तो वो मान जाएगी। ऐसे कैसे मान जाएगी बेटा? चना आप उसकी फूफो को कॉल करें। यानी अब अपने साथ तो मुझे भी जलील करवाओगे? हाँ अरे मामा कुछ नहीं होगा, आप फोन क्यों करें? अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो अपने पापा को बातों में लगाओ, नहीं तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। मैं कॉल करती हूँ। थैंक यू मामा, यू आर द बेस्ट, आई लव यू, थैंक यू। ये बच्चा भी ना मेरा। नहीं नहीं परेशान नहीं हूँ, आप बताएं क्या काम था? अच्छा बात सुनो, सालन बिल्कुल तैयार है और तुम सैलेड बना देना। किसका फोन आ गया, मैं देख कर आती हूँ, तुम जरा चम्मच चलाओ। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्यों फोन किया आपने? वो दरअसल मुझे आपसे उसी सिलसिले में बात करनी थी। किस सिलसिले में? रिश्ते के हवाले से। आप ऊंचा सुनती हैं? नहीं तो आपने उस दिन सुना नहीं था क्या कि मैं उस रिश्ते से इनकार करके आई हूँ?
अच्छा मेरी बात सुने। मेरा बेटा हमजा फायजा को पसंद करता है। अब आप ये मत कहिएगा कि फायजा के इश्क में आपके बेटे ने अपने हाथ की रग काट ली है। इश्क इतने शॉर्ट नोटिस पर नहीं होते। सादिया, पापा कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तुम्हारी मामा के पास जा रहा हूँ। अच्छा सुने, मुझे आपसे कुछ काम था। बोलो क्या काम है? अब पापा वो सिद्दीकी साहब है ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कौन से सिद्दीकी साहब? कौन से सिद्दीकी साहब? सिद्दीकी साहब पापा वो हमारे लाहौर वाले क्लाइंट है ना, वो सिद्दीकी साहब। कल तो मेरी उनसे बात हुई। कल बात हुई है? दिन में बात हुई है? हाँ दिन में हुई। ओ तो आपकी दिन में बात हुई ना। सिद्दीकी साहब ने मुझे रात में फोन किया, तो वो ये कह रहे थे कि वो आज कराची आ रहे हैं और आपसे ही मिलेंगे। देखो बेटा, आएगा कोई ना कोई काम बताएगा, अब तुम भी संभाल लो, तो सारा काम तुम नहीं तो संभाल लो। पापा 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 भाई अब क्या है? पापा वो लॉयर से मीटिंग की आपने? लॉयर? कौन सी मीटिंग? क्या बात कर। पापा वो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने ना, ईयर एंड आ रहा है, तो वो बात कर। मुझे लगता है आप अभी तक उस दिन की बात पर नाराज हैं। मैं अपने शौहर के रवैये की माफी मांगती हूँ आपसे। जहाँ तक बात रही आपके खूबसूरत से हस्बैंड की, उनको तो आप बराए मेहरबानी मेरे पास मेरे अस्पताल भेजिएगा। बाकायदा इलाज की जरूरत है उन्हें। ऐसा इंजेक्शन ठोकूंगी, ऐसा ग्लूकोज लगाऊंगी उन्हें कि सारी जिंदगी कोई बीमारी नहीं लगेगी उन्हें। हेलो, अरे बंद कर दिया। हैरत है। देखो बेटा, अब मेरी रिटायरमेंट की उम्र है और ये सारे मामला तुमने देखे। देखो तुम्हारी अम्मा, क्या हो रहा है? नहीं कुछ नहीं। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो इसलिए आ रहा था कि आज नदीम भाई की बेटी की शादी में जाना। हाँ हाँ जरूर चलेंगे, और मैंने यहाँ पे कपड़े भी तैयार कर दिए। इस बार जलाए तो नहीं? नहीं भाई। चलो ठीक, आज ही जाना है ना? हाँ हाँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, पूरे खानदान ने ढिटाई में पीएचडी कर रखी है। मैं तो तुम्हारी अम्मी के फोन पर हैरान थी, तुम तो उनसे भी दो हाथ आगे निकले, सीधा घर तक पहुंच गए हमारे। देखिए जी, मैं चाह रहा था कि जो आपको गलतफहमी है मैं क्लियर कर दूं। अच्छा हो गई गलतफहमी खत्म, बोलो क्या बोलना है? तुमने मेरी बात सुने, उस दिन थाने में जो फायजा को दो घंटे बिठा के रखा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ये तो जो भी किया पुलिस वालों ने खुद से किया। As a matter of fact, मैं जब अपना वॉलेट लेने पहुंचा मुझे तब खुद पता चला कि बेचारी दो घंटे से बैठी हुई है। I swear इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। हो गई बात पूरी? जी। मुझे उम्मीद है कि आपके दिल में मेरे लिए कोई गलतफहमी नहीं रही होगी। जाहिर सी बात, हो गई गलतफहमी खत्म, जाओ यहाँ से। अरे सुने तो, रिश्ते वाली बात तो रह गई। उसे तो तुम रहने ही दो, क्योंकि मुझे ये बात अब भी ना मंजूर। लेकिन क्यों, अब तो सब कुछ क्लियर हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया है। तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है, और इसीलिए मुझे ये रिश्ता ना मंजूर है। मतलब तुम्हारी जगह कोई और होता तो पलट कर भी ना देखता, और एक तुम हो कि पीछे ही पड़ गए हो हमारे। अरे यार अजीब बात कर रही है आप। अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में मैं अकड़ के घर पे बैठा रहता तो आज ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कैसे होती? मैंने आपको समझाया तो है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। ओए हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? I'm sorry. दोबारा यहाँ नजर आए ना तो दिमाग में गोली मारूंगी तुम्हारी अपने अब्बा मरहूम की राइफल से। फजूल इंसान, दबा जाओ यहाँ से। अरे सुने मेरी बात तो सुन ले प्लीज। जाते हो कि नहीं जाते? अच्छा जा रहा हूँ।
भाग यहां से। उफ, तंग आ गई हूं मैं इन लोगों से। वो वाले जान बन गए हैं भैया लोग तो। वो कौन था वो? क्या हुआ? होना क्या है? वो स्टुपिड हमजा, हिम्मत चेक करो उसकी, घर तक आ गया हमारे। चला गया? जाहिरी सी बात, जाना ही था उसने। और उसको मैं क्या इज्जत से घर लेकर आती, बिठाती, चाय पिलाती। पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं ये। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बेइज्जती करवाने के बाद, इतनी बातें सुनने के बाद पीछा ही नहीं छोड़े हमारा, पीछे पड़ गए। एग्जैक्टली, मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। खैर, आप अपना गुस्सा छोड़े, मैं आपको एक गुड न्यूज देती। क्या? जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया था ना, वहां से मुझे ईमेल आ गई, कल इंटरव्यू के लिए बुलाया है। बहुत मुबारक हो तुम्हें, लेकिन वहां का माहौल देख लेना अच्छी तरह से। अगर वहां का माहौल अच्छा ना हुआ फायजा, तो मैं तुम्हें हरगिज वहां काम नहीं करनी। ओके फुफो, पता है मुझे क्या हो रहा है। मेरे हॉस्पिटल में भी जो कुछ गुल खिलाती है ना लड़कियां, सब पता है मुझे। पुलिस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेती? सारे क्रिमिनल्स आपको देखते ही डेड हो जाएंगे। वैसे जो बातें उसने यहां आकर की हैं, उसके बाद मुनासिब नहीं था कि आप मुझे फोन करती। पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एओ पप्पा, आराम से मेरी बात सुन। अदनान तुम्हारी एज ग्रुप का लड़का है, समझी? और भार में जाए उसकी एज ग्रुप और भार में जाए उसकी अच्छाई। मुझे नहीं करनी शादी, कितनी दफा कहा है, सब पीछे पड़े रहे। हेलो हेलो, मैं नौरीन बात कर रही हूँ, मुश्ताक की वालदा। माजरत चाहती हूँ, मैंने पहचाना नहीं आपको। हम कुछ दिनों पहले आए थे फायजा के रिश्ते के लिए आपके घर। ओ तो आप हैं, आपका बेटा भी आया था कुछ दिन पहले, तबीयत ठीक करके भेजा था मैंने उसकी, उसके बावजूद आपने फोन कर लिया। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हम बैठ के आपके साथ कुछ बात कर लें। क्या बात करनी है आपको? प्लीज एक दफा अपने घर आ जाने दें, मुश्ताक चाहता है कि उसकी शादी आपके घर ही हो। वैसे जो बातें उसने यहाँ आकर की हैं, उसके बाद मुनासिब नहीं था कि आप मुझे फोन करती। देखिए, वो थोड़ा नासमझ है। हम आप बैठे, इंशाल्लाह ताला कुछ डिस्कस करके अच्छा हल निकाल लेंगे। ठीक है, आप आज शाम को आ जाइए, फिर देखते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। उस दिन आपने हमें बगैर बताए मना कर दिया, इसलिए हमने सोचा कि आज आपसे हम दोबारा रब्ता करें। देखिए, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आई? मैं अपनी भतीजी के मामले में बहुत सोच समझ कर फैसला करना चाहती हूँ। मुझे मुश्ताक और फायजा का रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। मगर आज तो आपने हमें मना नहीं किया आने से, तो मैं ये समझी शायद आप मुश्ताक और फायजा के रिश्ते से आप एग्री हैं। बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रही हैं। क्या मतलब? देखिए, इस शख्स को छोड़ के मुझे आप एक शरीफ खातून लगती हैं। मैंने आप लोगों को इसीलिए बुलाया है कि प्यार मोहब्बत और तहम्मुल से आपको समझाऊं कि मुश्ताक और फायजा का कोई जोड़ नहीं बनता। अब नाम ही देखिए ना इसका, मुश्ताक। मगर ये क्यों नहीं हो सकता? देखिए, फायजा बिल्कुल मुख्तलिफ दिमाग की लड़की है, मुश्ताक के साथ उसका जोड़ नहीं बनता। फायजा एक समझदार लड़की है। समझदार तो हमारा रिश्ता भी बहुत है। एक मिनट, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जी पूछिए। वॉशरूम किस तरह है जगह? वो सामने सीधा। अच्छा अम्मा, बस यूं गया और थोड़ी देर में आया। देखिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, आपका बेटा इस काबिल नहीं है कि मैं उससे फायजा की शादी कर दूं। Mm-hmm.
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप डरे मत, मैं अपनी अम्मी के साथ आया हूँ आपकी फूफो से मिलने। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है पर मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? एओ, पप्पा, पप्पा, फायजा, फायजा, क्या हुआ? पप्पा, क्या हुआ? इस गेंडे को देखे यहाँ पे खड़ा हुआ। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम तो वॉशरूम का बोलकर आए थे ना, मेरी भतीजी के कमरे में क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ, सब खैर तो है? जी हाँ, पहले खैरियत ही थी, अब खैरियत नहीं रहेगी। देख लिया आपने अपने साहबजादे के करतूत, बहाने से मेरी भतीजी के कमरे में घुस आया। क्या कह रही मुश्ताकी है? पता नहीं क्या कह रही। ये क्या बताएगा, मैं बताती हूँ। फायजा, अब्बा मरहूम की राइफल कहाँ है? वो आपके कबर्ड के नीचे वाले सेक्शन। ओके, ध्यान रखना, जाने मत देना, अभी ठीक करती हूँ। तुम बिल्कुल ठीक है। लेट्स रन मुशी। Excuse me. Yes, sir. जी? मुझे आपके HR डिपार्टमेंट से इंटरव्यू की कॉल आई। मैं अंदर काम कर रही हूँ। थैंक्स। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पहुंच गए? तुम कोई जिन तो नहीं हो? बिल्कुल नहीं मैडम। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम जिन हो, क्योंकि इंसानी मखलूक ऐसे नहीं कर सकते। क्यों, मैंने क्या कर दिया? भाई जिन ही होते हैं ऐसे, जब आशिक हो जाए तो पीछा ही नहीं छोड़ते। जैसे तुमने पहले मुझे फोन किया, फिर पप्पो को फोन किया, फिर हमारे घर तक पहुंच गए, और अब मेरा पीछा करते करते यहाँ पे पहुंच गए। मैडम, मैं आपका पीछा करते करते यहाँ तक नहीं पहुंचा, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। ओके? तो काम करते हो तो फिर काम करो। क्या खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो? जाओ अपना काम करो। फायजा आप हैं? नहीं, ये हैं जो बैठे हुए। जी, जाहिर सी बात, नहीं फायजा हूँ। आपको अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हैव अ सीट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम क्या, तुम यहाँ HR के मैनेजर हो? नहीं। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? ये कंपनी मेरे बाप की है, तो इन शॉर्ट मेरी है। गॉड, फिर तो मेरी नौकरी गई। नहीं मैडम, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अब तो ये नौकरी आप ही को मिलेगी। नो थैंक यू, आई डोंट नीड दिस जॉब। ओके फायजा, मेरी बात तो सुनो। क्या है? हाथ छोड़ो मेरा। देखो, तुम अगर मुझे ऐसी वैसी लड़की समझ रहे हो तो मैं बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं, और मैं चीखूंगी चिल्लाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, चीखने चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, तुम प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मुझे बैठना नहीं है, जो बात है खड़े खड़े करो। पानी चाहिए?
तो मुझे अजीब सी फीलिंग हुई। ऐसी फीलिंग मुझे कभी भी किसी लड़की को देख के नहीं हुई। फीलिंग? कैसी फीलिंग? अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। शायद मोहब्बत, शायद पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी चीज की तलाश में हूं और मुझे वो चीज मिल गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे कहते रिश्ते क्या? पर रिश्ता तुमने तो नहीं भेजा था, वो तो अलमास ने तुम्हारी अम्मी को मेरा नंबर दिया था। झूठ, कोई अलमास अलमास नहीं। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? तो फिर तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? उस दिन रात को थाने से मैंने आपका नंबर और एड्रेस निकलवा लिया, लेकिन उसके लिए मुझे 5,000 रुपए भी देने पड़े। हाँ, ये सब इत्तेफाक नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत है। कैसे हो गई ये मैं नहीं जानता, पर आई लव यू फाइजल। क्या हुआ? एओ, इनफ, मुझे ये सब नहीं सुनना। क्या हमजा उस कंपनी का मालिक है? यही तो प्रॉब्लम है, इतनी मुश्किल से एक अच्छी जॉब मिली और उस पे भी ये हो गया। वैसे हमजा कह रहा था कि ये जॉब मेरे लिए पक्की हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम उस कंपनी में जॉब हरगिज नहीं करोगी। हाँ, मैंने भी उसे यही कहा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आज ही मेरी समीना से बात हुई है, अपने छोटे भाई अदनान के लिए अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढ रही है वो। ओह गॉड सेक पप्पो, ये मेरे हाथ देखे, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी प्लीज। देखो, आराम से मेरी बात सुन, अदनान तुम्हारी एज ग्रुप का लड़का है, समझी? गॉड, भार में जाए उसकी एज ग्रुप और भार में जाए उसकी अच्छाई, मुझे नहीं करनी शादी। कितनी दफा कहा है, सब पीछे पड़े रहे। क्या हमजा इस लड़की, मुझे तो लगता है ये सब कुछ उस हमजा की वजह से हुआ। बेटा, इन तमाम बातों का मतलब जानते हो क्या है? क्या? यही कि फायजा को तुम में इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है। अरे मम्मी, इंटरेस्ट कोई इतने जल्दी थोड़ी डेवलप होता है। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन जितनी एफर्ट तुम उसके लिए कर रहे हो ना, उसे कम से कम एक दफा तो सोचना चाहिए कि इतनी सारी एफर्ट मेरे लिए कोई क्यों कर रहा है। मामी, उसने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। इसीलिए तो कह रही हूँ बेटा, आगे बढ़ो, अपना वक्त जाया मत करो मेरा बच्चा। शायद आप ठीक है। शुक्र है बेटा, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई। पापा कहाँ? अपने किसी दोस्त से फोन पर बात कर रहे हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए एक लड़की बताई है। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। अब फायजा नहीं तो कोई भी हो, क्या फर्क है?
क्या कर रही हो फायजा? यूनी का असाइनमेंट कर रही हूँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हारी शादी हमजा से ही होगी। What? हाँ, हमजा से ही शादी होगी तुम्हारी। पर क्यों? मुझे समझ आ गया है कि हमजा ही वो वाहिद लड़का है जो तुम्हें खुश रखेगा। मैं इससे शादी नहीं करूं। क्यों? तुमने तो सब कुछ मुझ पर छोड़ा था, अचानक से क्या हो गया है तुम्हें? अगर आपको हाँ करनी ही थी तो उस बेचारे को इतना जलील करने की क्या जरूरत थी? हाँ करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। फिर अब क्या हो गया? मुझे तुम्हारे लिए जो बेहतर और ठीक लग रहा है सिर्फ वही कर रही हूँ, यकीन रखो मेरे। नहीं 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 नहीं, मैं उसका सामना कैसे करूंगी? कितनी बातें सुनाई है आपने उसको, और उसको ऐसे लगेगा जैसे हम उसके ऑफिस से इम्प्रेस होके हाँ कर। एक्सक्यूज मी, इससे पहले जितने भी रिश्ते आए हैं ना तुम्हारे, वो इन लोगों से ज्यादा अमीर कबीर लोग। अगर हम लोगों ने पैसों से इम्प्रेस होना होता तो उनसे ना हो जाते। हाँ, बट ये बात का उसको तो नहीं पता, वो तो यही समझेगा डेफिनेट। समझता है तो समझता रहे। कल मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ, उससे जो होगा देखा जाए। बट बिल्कुल Are you sure? Of course. फिरोज, मैंने कल बात की थी हमजा से, उसे समझाया। फिर बात उसके समझ में आ गई है। हाँ अच्छी बात है, नदीम की बेटी बाहर से पढ़ के आई है और माशाल्लाह शक्ल सूरत भी अच्छी। मैं पूरे खानदान को जानता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि वो मेरे बचपन का दोस्त है। हाँ नदीम भाई की बेटी मैंने भी देखी है, माशाल्लाह प्यारी है। भाई मुझे पता नहीं आया कि हमजा पे ये लड़की कैसे पसंद आ गई है। ना उसके खानदान का पता है, ना माँ बाप का, और जिस पुपी ने उसे पाला है मुझे तो समझ में नहीं आई। इस उम्र में ऐसे मामलात होते रहते हैं, खुदा का शुक्र है कि वो हमारी बात मान लेता है। हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमजा को ऐसी लड़की मिले जो उसके मिजाज की हो, वरना खानदान में लड़कियों की कमी है क्या? हाँ ठीक कह रहे हैं आप। आपने अंदर नहीं शुरू किया? मैं खाता हूँ। और डालूं आपको जूस? नहीं नहीं शुगर है तुम्हें पता है मुझे। अच्छा कम इन। हाँ किसी ने बताया नहीं आप? बात करने से पहले सलाम करते हैं। सॉरी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कैसे आना हुआ? बैठने का नहीं होगा? जी 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 बिल्कुल, आइए ना बैठिए। वन ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। जी नहीं, तुम मुझसे पूछोगे कि क्या लूंगी मैं, चाय कॉफी, तो मैंने तुम्हारे पूछने से पहले ही कह दिया वन ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। जी बिल्कुल। वन ब्लैक कॉफी मेरे कमरे भेजो और जल्दी। ओके विदाउट शुगर। ओ सर हेलो सुनो, विदाउट शुगर ऑफर फॉरन जल्दी। देखो हमजा, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि मुझे तुम्हारे और फायजा के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। जी ये क्या कह रही हैं? मैंने फ्रेंच में तो नहीं कहा जो तुम्हें समझ में आया। मैं अपनी बात रिपीट नहीं करूंगी, वही कहा है जो तुमने सुना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं।
कुछ कहने की जरूरत नहीं है तुम्हें। जल्द से जल्द अपनी अम्मी को हमारे घर भेजो ताकि बात आगे बढ़े। जी शुक्रिया। फोन मिला। हाँ? फोन मिलाओ। वन ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वन ब्लैक कॉफी विदाउट विदाउट शुगर लेकर आओ जल्दी। ओके बाय। बस भाभी ये तो नसीबों की बात है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे बच्चों के नसीब अच्छे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात हो रही है हमारी। ओके खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब आया मेरा बच्चा? बस मम्मी अभी आया। बेटा कैसा गुजरा आज का दिन? अच्छा, बहुत अच्छा। फिरोज वो नदीम भाई की वाइफ का फोन था, उनसे बात कर रही थी। कौन नदीम भाई? बेटा तुम्हारे पापा के दोस्त हैं, जिनकी बेटी से तुम्हारी शादी की बात चल रही है। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ जरूर करो। यहाँ नहीं, कमरे में चल के कर ले। हाँ हाँ चलो। अच्छा तो अब हमसे भी बातें छुपाई जाएंगी हैं? अपने बच्चे से बात करने जा रही हूँ, ये भी बुरा लग गया। आप जाओ जाओ जाओ। हाँ मेरा बच्चा। बेटा बात मेरे मना करने या हाँ करने की नहीं है बेटा, बात तुम्हारे पापा की है। और ये उन खातून को अचानक क्या हो गया? फायजा असल में मेरी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है मुझ पर, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। और हमजा के साथ मेरी जो भी पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई थी वो असल में मेरे जहन पर बहुत ज्यादा सवार थी। पप्पू 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 क्या हो गया? ये तो आप बताएंगे क्या हुआ, क्या कहा उसने? बड़ी एक्साइटेड हो रही हो तुम? नहीं नहीं, एक्साइटेड से ज्यादा मैं एम्बैरेस हो रही हूँ कि हमने इतनी बातें सुना दी उसको और फिर भी उससे शादी कर रही हूँ। खैर ये छोड़े, आप बताएं क्या कहा उसने? कहना क्या है उसने? खुश हो रहा था बेचारा, I'm sure अगर ऑफिस ना होता तो खुशी से नाचने लगता। Oh, how sweet. Hello, क्या हो गया तुम्हें? नहीं, बस यूं ही। मैं सोच रही हूँ कितना अच्छा इंसान है, दिल कितना अच्छा होगा उसका, हमने कितना जलील किया उसे लेकिन उसने एक बात का भी बुरा नहीं माना। बस बस ज्यादा तारीफें करने की कोई जरूरत नहीं, अभी सिर्फ बात हुई है, निकाह नहीं हुआ। अच्छा सुनो, मैं बहुत थक गई, अच्छी सी कॉफी पिला दो। कॉफी भी बना दूंगी और निकाह भी हो जाएगा। ना बेटा बता भी दो ना। मामी मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तुम भी खुश हो, तुम्हारे पापा भी खुश हैं, लेकिन तुम दोनों की खुशियों की वजह मुत्तसाद है। मम्मी इतनी मुश्किल से तो ये लोग माने, अब प्लीज आप मना मत कर दीजिएगा। बेटा बात मेरे मना करने या हाँ करने की नहीं है बेटा, बात तुम्हारे पापा की है। और ये उन खातून को अचानक क्या हो गया, वो पहले हाँ नहीं कर सकती थी? देखिए मम्मी अब मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि उन्होंने पहले क्या किया और क्या नहीं, आप बस कल मेरे साथ फायजा के घर जाओ। और तुम्हारे पापा? पापा को मना लेंगे। देख लो बेटा इस बात से ना बहुत हंगामा मचेगा, नदीम भाई अगले ही हफ्ते आ रहे हैं। मामे आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा, हम बस कल फायजा के घर चल रहे हैं। ओके या। फायजा मेरी बहुत लाडली भतीजी है, इसके लिए मैं जो भी फैसला करूंगी सोच समझ कर करूंगी।
फायजा असल में मेरी जिम्मेदारी है, बोझ नहीं है मुझ पर, इसलिए मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। और हमजा के साथ मेरी जो भी पुलिस स्टेशन में मुलाकात हुई थी वो असल में मेरे जहन पर बहुत ज्यादा सवाल थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। जी जी, we totally understand. Thank you, हमजा। हमारी खुशी इसी बात में है कि हमजा जहाँ चाहता है वहीं उसकी शादी हो, और बात आपके रवैये की बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल मसला कुछ और है। क्या क्या मसला? आपकी तरफ से ना होने के बाद हमजा के पापा ने अपने बहुत ही पुराने दोस्त की बेटी से हमजा की शादी की बात चलाई है, और हम लोगों ने हाँ भी कर दी है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो हमारे घर भी आने वाले। तो फिर मैं इनकार समझूं आपकी तरफ से? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर हमजा तुम्हारे पापा? पापा को हम मिलके मना लें, आप उनकी फिक्र ना। ठीक है, मैं आप लोगों के फोन का इंतजार करूंगी। जी हमजा, तुमने तो बड़े आराम से कह दिया कि तुम पापा को मना लोगे। तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना मुश्किल काम है? मामा, अब काम मुश्किल हो या आसान, करना तो है ना। देखो बेटा, मैं तुम्हारे अब्बू को बगैर बताए तुम्हारे साथ चली गई थी, अब उनको क्या जवाब देना ये मुझे ही पता। मामा, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेटा, हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे बातें सुननी पड़ती। मामा, तो फिर एक बार और से। कहाँ गए थे तुम लोग? और तुम्हारा फोन क्यों आप जा रहा है? वो फिरोज, मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। यह कहाँ थे जो इतनी देर लगा दी? ये एक दूसरे की शक्लें क्या देख रहे हो? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पापा वो फायजा के घर गए। कौन फायजा? फिरोज, वही लड़की जिससे हमजा की बातचीत चल रही है शादी। क्यों, वहाँ क्या करने गए? वो दरअसल वो क्या कर रही हो बताओ, क्यों गए थे उसके घर? फिरोज, वो उसकी पुप्पो ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। तो पहुंच गए वो फकीरों की तरह? कोई इज्जत नाम की चीज होती है कि नहीं? पापा, मैं उसको पसंद करता हूँ। हार में जाए तुम्हारी पसंद। अगले हफ्ते नदीम आ रहा अपनी फैमिली के साथ, उसके सामने मेरी इज्जत का जनाजा निकालोगे? अच्छा फिरोज, मेरी बात सुने ना। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया है तुम्हारी शादी सिर्फ नदीम की बेटी के साथ होगी। दैट्स इट, सुन लिया मुझे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, बड़े अफसोस की बात है। क्यों भाई? तुम मेरे घर तक आए और मुझसे मिले बगैर ही चले गए। वो बस बातों में ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा, ऐसी क्या बातें हो रही थी भाई? इंसान पूछ ही लेता है फायजा किधर है। अगर मैंने नहीं पूछा तुम खुद भी तो आ सकती थी। भाई, मैं प्योर मशरकी टाइप की लड़की हूँ, ऐसे ही बिन बुलाए तो नहीं आ सकती ना। तो आप भी सुने, मैं भी थोड़ा थोड़ा प्योर मशरकी लड़का हूँ। मुझे अच्छा थोड़ी लगता है कि लड़की के घर आऊं और बोलूं लड़की क्या है। ओए ओए, कोई बहुत डिफेंसिव हो रहा है। नहीं नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही शौक था कि मैं अपने मंगेतर से लंबी लंबी बातें करूं फोन पे। कितना रोमांटिक लगता है ना। अच्छा अच्छा सुनो, वो पिछली सारी बातों के लिए ना I'm very sorry. It's okay. वैसे तुम नॉर्मली ऐसे बात करते हो धीमे लहजे में या आज कोई खास बात? नहीं यार, बस आज थोड़ा सा अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? पापा को हमारी शादी से शदीद एतराज है। हमारी शादी मतलब? भाई मतलब तुम्हारी और मेरी शादी से। राइट, आई एम सॉरी, पर क्यों? फिरोज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। जब हम बात नहीं करेंगे तो मसला कैसे हल होगा? मैं तुम्हें बता चुका हूँ मसले का हल। हमजा की शादी सिर्फ नदीम की बेटी के साथ हुई। लेकिन फिरोज, हमारा बेटा किसी और से प्यार करता है। बेटे की मोहब्बत की फिक्र है, शोहर की इज्जत का ख्याल नहीं तुम्हें? नदीम साहब से अभी सिर्फ बात हुई है ना, हम एक्सक्यूज भी कर सकते हैं। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। नदीम मेरे बचपन का दोस्त है, कोई ऐरा गैरा नहीं है, और मैं जबान दे चुका हूं उसे। ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो आप करें, मैं क्या बोल सकती हूं। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारा बेटा जवान हो गया है। क्या मतलब है? कल कलंक को वो बागी हो गया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया, तो हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होगा। वो बागी ना भी हो, मगर तुम उसे रास्ता दिखा दो। दिमाग में उसके कुछ भी नहीं है, मगर तुम आइडिया दे दो उसे बगावत करने का। अरे क्या रखा है उस लड़की फाइजा में? जैसे उसकी कुप्पी बदतमीज, वो भी वैसी होगी। फिरोज, हर इंसान में अच्छाइयां और बुराइयां होती हैं, फरिश्ते कहां से आएंगे? अच्छा बहस मत करो मुझसे, वैसे ही मेरा दिमाग खराब हो गया। किस वक्त नहीं होता आपका दिमाग खराब? फायजा, फायजा देखो ये ड्रेस कैसा लग रहा है। अच्छा है। मैंने सोचा है कि जब वो लोग अगले हफ्ते शादी की डेट फिक्स करने आएंगे तो मैं यही पहनूंगी, ठीक है ना? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ, क्या छुपा रही हो मुझसे बताओ? हमजा के पापा ने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया, वो नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी। मैंने कल हमजा को कॉल किया। क्या कहा उसने? क्या कहेगा बेचारा, परेशान था, कह रहा था पापा मान ही नहीं रहे। वो इस शादी में अपने बाप के खिलाफ भी जा सकते, तो तुम्हें क्या तकलीफ? पर ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि दूल्हे के अब्बा राजी ही नहीं, खुश ही नहीं है इस शादी से। हाय देखो फायजा, हमने उसे ये सब कुछ करने के लिए हरगिज नहीं कहा, वो अपनी मर्जी से कर रहा है ये सब कुछ। और वैसे भी वो पढ़ा लिखा है, अकल है उसमें, बालिग लड़का है, उसके बाप को ये बात सोचनी चाहिए। वैसे आपस की बात है, बहुत अनोइंग आदमी है बड़े ही। आप एक काम करें, उनके ऑर्डर की सारी डिटेल्स मुझे ईमेल कर दें और मैं खुद उसे फॉरवर्ड कर दूँ। या ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं उसकी जरूरत नहीं। अच्छा ओके ओके।
जी पापा, मैंने नदीम को कह दिया तुम जाओ जाओ जहां भी शादी। रियली पापा, थैंक यू सो मच। पीछे हटो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूंगा। जो चाहो वो करो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूं। पापा, वैसे एक बात बताऊं, मुझे ना बचपन से ही शौक था कि मैं अपने मंगेतर से लंबी लंबी बातें करूं। कितना रोमांटिक लगता है ना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ना मैं तुम्हारी शादी में शिरकत करूं, मैं तुम्हारे लिए मर गया। मामा, आप फायजा के घर फोन करें, हमें इसी हफ्ते शादी की डेट तय करनी। देख लिया कितनी मोहब्बत करता है मुझसे, अब इसकी शादी करो मेरे बगैर। ये रही तुम्हारी मंगी की अंगूठी। फायजा, फायजा सुनो। वो दोनों शहर या मुल्क छोड़कर नहीं गए, ये दुनिया छोड़कर गए हैं फायजा। क्या बात है फिरोज, आज मेरा बच्चा बहुत परेशान और चुप चुप सा था, आपने कोई बात तो नहीं की? हाँ, मैंने उसको बता दिया कि वो मेरी तरफ से आजाद है, अब जहाँ चाहे वो शादी कर ले। आपने ऐसा कहा है? हाँ मैंने ऐसा कहा है, मेरा कोई भी वास्ता नहीं उसके साथ, ना मैं उसकी शादी में शामिल रहूंगा और ना वो मुझसे कोई तवक्को रखे। ये क्या बात हुई फिरोज, वो आपकी सगी औलाद है, कुछ तो ख्याल करें। मैं भी तो उसका सगा बाप हूँ, मेरा ख्याल करें वो। अच्छा, ये सब कुछ आपके बगैर कैसे होगा मुझे बताएं? जैसे उसने मेरे बगैर पूछे शादी का फैसला कर लिया और तुमने मेरे बगैर पूछे उसका साथ दिया, मेरी हैसियत क्या है? ऐसी बात नहीं है फिरोज, वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। मामा, आप फायजा के घर फोन करें, हमें इसी हफ्ते शादी की डेट तय करनी। देख लिया कितनी मोहब्बत करता है मुझसे, अब इसकी शादी करो मेरे बगैर, और अगर कोई पूछे ना तो बता देना कि इसका बाप मर चुका है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप फिरोज? Thank you.
मैं आज बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। आज हमारी शादी की तारीख तय हो गई है, पर अगर तुम्हारे पापा होते तो कितना अच्छा होता। हाँ अच्छा तो होता। क्या पता वो मान जाए। तुम्हें एक बार आखिरी बार उनसे बात करके तो देखो। जो बात होने की हो वो अपनी जिद से नहीं हटेगी। हमसा पता नहीं मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा उनके बगैर। मेरे पापा मैं परेशान हूँ, तुम किस लिए परेशान हो रही? क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी वजह से तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हुए। दुनिया की सारी नेमतें एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। तुम्हें पता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी पप्पो तुम पर बहुत जुल्म करती है, इसलिए तुम अपने माँ बाप को याद आ रहे। ऐसी बात नहीं, वो तो मुझे बहुत चाहती है। उन्होंने तो अपनी शादी का रिश्ता भी मेरी वजह से खत्म कर दिया। Really? हाँ, जिसको वो पसंद करती थी उनसे वो शादी तय हो चुकी थी। Okay. फिर उन्होंने ये शर्त रखी कि फायजा मेरे साथ रहेगी, पर ये शर्त ना लड़के को ना उसके घर वालों को मंजूर थी, तभी उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया। वो मुझसे बहुत प्यार करती है, बस जरा बोलती ज्यादा है, पर दिल बहुत अच्छा है उनका। अब तो वो तुम्हारी पप्पो भी है। और अगर मैं ही शर्त रखूं कि मुझे पप्पो नहीं चाहिए फिर मैं ये शादी नहीं करूंगी। वैसे मैं देख रही थी तुम्हारी सास गिफ्ट तो बहुत अच्छे लाई। चलो कम से कम इस बात का तो अंदाजा हो गया हमें कि कंजूस लोग नहीं है। हाँ पर 2 महीने बाद शादी बहुत जल्दी नहीं है। हाँ तो क्या वजह है देर करने की? अच्छी बात है जितनी जल्दी हो जाए। सच बताऊं तो मैं अम्मी अब्बू को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मुझे भी भाई और भाभी बहुत याद आ रहे हैं। वो होते तो तुम्हारी शादी के मौके पर बहुत खुश होते। क्या किसी तरह वो वापस नहीं आ सकते? वो दोनों शहर या मुल्क छोड़कर नहीं गए, ये दुनिया छोड़कर गए हैं भाई साहब। ऐसे दुनिया गए हैं जहां से कभी कोई वापस नहीं आया। किस्मत भी कितनी अजीब चीज है ना। यहाँ मैं अपने माँ बाप को मिस कर रही हूँ और वहां हमजा अपने पापा की मर्जी के खिलाफ शादी कर रही है। Come on, फाइज, तुम ये सारी चीजें क्यों सोच रही हो कि हमारा मसला नहीं है? ये मत भूलो कि परसों हमें उनके घर जाना है, कपड़े और बाकी चीजें फाइनलाइज करनी है। सब ठीक होगा, अल्लाह बेहतर करेगा, परेशान नहीं हो तुम। हाँ।
हमारी शादी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर जरूर। मैं चाह रही थी कि इसी हफ्ते में फायजा को ले जाऊं वलीमे के सूट की शॉपिंग के लिए। अगर ये अपनी पसंद से ले तो अच्छा होगा ना। बिल्कुल आंटी, क्यों नहीं, बल्कि मुझे भी शादी की शेरवानी के लिए हमजा का नाप चाहिए था। क्या बात है बेटा, तुम क्यों चुप चुप सी हो? नहीं आंटी, बस यूं ही। हाय हाय, दुल्हन है भाई, शर्माने की प्रैक्टिस कर रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई ये तो बताइए, मेहंदी और मायों का क्या प्लान है? कुछ हल्ला गुल्ला भी तो होना चाहिए। अरे ऐसा वैसा हल्ला गुल्ला, दुनिया देखेगी, देख लेना। तो ग्रेट है ना। मैं चाह रही थी कि अगर मायों और मेहंदी का फंक्शन दोनों एक ही दिन हो जाए। बिल्कुल सही सोचा है आंटी आप, बस हमें ये ख्याल रखना है कि ज्यादा फैलावा ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमजा, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? हाँ तो करो। नहीं यहाँ नहीं, कहीं और चल के। अरे हाँ why not, जाओ ना। Sure. तो छापा चलो। आंटी मेरी बात सुनो, फूलों वाले को जो है ना वो मैंने ऑर्डर। क्या हुआ फाइजा, सब खैरियत है? देखो हमजा, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ ये सोच सोच के कि तुम्हारे अब्बा हमारी शादी में शरीक ही नहीं होंगे। फाइजा तुम क्यों ओवररिएक्ट कर रही हो, जब मैं मुतमईन हूँ तो तुम्हें क्या तकलीफ है? इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि तुम मुतमईन हो, और तुम्हारा ये मुतमईन होना कोई अच्छी बात तो नहीं। समझ ले रहा हूँ तुम कहना क्या चाहते हो। तुम पर उनका ज्यादा हक, और अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो उन्हें नाराज करके कभी शादी ना। और मेरी मोहब्बत, मेरी फीलिंग्स, उनका क्या होगा? बाप की सालों पुरानी मोहब्बत तुम्हारी ये दो हफ्ते की मोहब्बत पे गालिब हो गई। वाह भाई। देखो फायजा, हमने पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, जब वो नहीं समझे ना फिर ही हमने उनको उनके हाल पे छोड़ा। यही तो प्रॉब्लम है, आज मेरी वजह से उनको छोड़ दिया, कल किसी और की वजह से मुझे छोड़ दोगे। भाई तुम्हारी रिलायबिलिटी तो जीरो नजर आ रही है मुझे। फाइजा फाइजा, दो महीने बाद हमारी शादी है, तुम इस वक्त किस किस्म की बातें कर रही हो? ना 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 बॉस, ऐसे नहीं चलेगा। या तो तुम अपने अब्बा को शादी के लिए राजी करो, वरना आए माओ। ये रही तुम्हारी मंगनी की अंगूठी। फाइजा फाइजा सुनो, कल आप ठीक है, मैं मेल देख के फिर आपको जवाब देता हूं। मैं ठीक है, मैं समझ गया हूं बात को। और ठीक है, पापा फाइजा ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और पापा मुझे भी मेरी गलती का एहसास हो गया, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आप प्लीज मुझे माफ कर, अब आप जैसा कहेंगे, जो कहेंगे, जहां कहेंगे मैं कर लूंगा। आई प्रॉमिस। मैं जैसा कहूंगा वैसा करोगे? जी पापा। तो कल मुझे फायजा के घर ले चलो। जी पापा। हाँ क्या? अरे ऊंचा सुनने लगे हो, मैं कह रहा हूँ कल फायजा के घर ले चलो। क्यों पापा? क्यों पापा? अरे भाई शादी वाले घर है, 10 काम होते, हम भी तो चले उनके घर, बेटे का ससुराल है। वाह, आई लव यू पापा, आई लव यू पापा। थैंक यू बेटा। मैंने फायजा की बातें सुन ली, बड़ी समझदार और हसास बेटी। जो इंसान सही और गलत की पहचान रखे वही सबसे सही होता है। Thank you, Papa. Thank you so much, Papa. Thank you.
कौन? अरे अंकल आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी को बेटा। अरे कहाँ रह गए? अरे 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 वाह अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। पप्पू है बेटा? पप्पू अंदर है। अरे भाई हम भी देखें कि मायू और मेहंदी के मुकाबले के लिए कितना तैयार है, देखें कि इसमें कितना दम है। जी आइए चल। हमसा ये सब कैसे? मोहब्बत जब सच्ची होती है ना तो सारी रुकावटें तोड़ देती है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, जैसे लग रहा है जैसे मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ। अब यकीन है कि ये ख्वाब नहीं हकीकत है। अच्छा प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, कोई देख लेगा। अरे देखता है तो देख ले, प्यार किया है कोई डकैती नहीं। अच्छा प्लीज छोड़ो ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा, उमर भाग के लिए पकड़ा। हमजा तुम्हारे पापा गो, गो। Maybe you turn.